A bunch of lawyers which are standing in front of the Supreme Court right now. मेहरबानी करके इस एक ऐतिहासिक मोमेंट पे जल्द से जल्द ईवीएम हटाने के लिए और पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए जो भी कानूनी अड़चन है, हालांकि कोई अड़चन है ही नहीं अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा, उसको दूर करके पेपर बैलेट से यानी के मतपत्र से चुनाव कराने की कृपा करें। ये उम्मीद पूरी दुनिया इस वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट से कर रही है। केंद्र की सरकार ने संसद के द्वारा एक बिल लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई व्यवस्था को बदल दिया और अब इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाली 3 सदस्य कमेटी के अंदर जो 3 सदस्य होंगे उसमें देश के प्रधानमंत्री होंगे और एक कानून मंत्री होंगे, यानी 2 लोग तो केंद्र की सरकार के हो गए और एक विपक्ष के नेता होंगे। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन का गठन केंद्र की सरकार जिस अधिकारी को चाहेगी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स बनाएगी। वो ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों कर रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्यों वोटों की चोरी वो होने दे रहे हैं? क्या वो इस केंद्र की सरकार के साथ मिलके ऐसा कर रहे हैं? तो इसका मतलब सीधा सीधा है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है और वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। इस ईवीएम पे भरोसा नहीं है क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर वोट सबसे महत्वपूर्ण है और बड़े मुश्किल से देश के लोगों को वोट का अधिकार मिला ताकि वो अपने मनपसंद सरकार चुन सके, अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुन सके, अपने मनपसंद पार्टी की सरकार बना सकें। लेकिन ये ईवीएम बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा इसमें घोटाला है क्योंकि लाखों ईवीएम का चुनाव में 543 लोकसभा चुनाव में लाखों ईवीएम का इस्तेमाल होता है और उसमें हजारों की मात्रा में इंजीनियर्स के हाथ में मशीनें आती हैं। जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं और विड्रोवल होने के बाद कौन कौन से कैंडिडेट किस किस पार्टी के मैदान में बचे हैं, उसके बाद उसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है ईवीएम के अंदर, उस वक्त अगर प्रोग्रामिंग करने वाले इंजीनियर्स को इन्फ्लुएंस अगर किया हुआ किसी पार्टी विशेष ने, तो इस बात की कोई इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ईवीएम में गड़बड़ी करके लोगों की वोट की चोरी हो सकती है। और जिस तरह एक्सपर्ट्स ने आके अलग अलग मौके पर बताया कि किस तरह ईवीएम मशीन से चोरी होती है और वीवीपैट किस तरह एक धोखे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आके सामने क्यों नहीं बताता? आखिर वो इतना जिद्दी क्यों बन गया है कि वो केवल ईवीएम से चुनाव कराएगा जब लोगों को इस ईवीएम पे भरोसा नहीं है और उन्हें इस पे संदेह कि उनकी वोट की चोरी हो रही है। और पूरे दुनिया के अंदर जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है वो खुद ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो आखिर भारत की सरकार और भारत का निर्वाचन आयोग वो ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों कर रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्यों वोटों की चोरी वो होने दे रहे हैं? क्या वो इस केंद्र की सरकार के साथ मिलके ऐसा कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और देश के लोगों का ये भरोसा स्थापित करना कि उनकी वोट की चोरी नहीं हो रही है, अगर ये केवल बैलेट पेपर से ही संभव है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बैलेट पेपर को तुरंत लाना चाहिए। क्योंकि आज हम सांकेतिक तौर पर केवल सर्वोच्च न्यायालय से एक रिक्वेस्ट करने आए कि हम सांकेतिक तौर पर चंद मुट्ठी भर वकील हम आए आपको ये कहने के लिए कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इस ईवीएम पे रोक लगाइए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसको स्थापित कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश के हजारों और लाखों वकील इकट्ठे होंगे। अभी तो हम सांकेतिक तौर पर चुनिंदा वकील आए हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पर इसका आह्वान किया जाएगा और किसी भी कीमत पर भारत में ये चूंकि लोगों के वोट की जो चोरी हो रही है इसको हम होने नहीं देंगे, बैलेट पेपर से केवल चुनाव होगा, हम किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और जिस तरह आपने देखा होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर बीएसपी के एक प्रत्याशी ने जहाँ उसका पूरा परिवार रिश्तेदार रहते थे, जब उस बूथ की काउंटिंग हुई तो वहाँ उसको एक अपना खुद का वोट भी नहीं मिला, ऐसा कैसे संभव है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम से कम स्पष्ट तो करे कि ये वोट की चोरी हुई तो हुई कैसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप क्यों है? और जितनी पिटीशन इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग है वो वर्षों से पेंडिंग है, वो डिसाइड ही नहीं करता। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ है और वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है और हम पूरा इसको जन आंदोलन पूरे देश का तैयार हो रहा है, हम लोग किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। फ्रेंड्स, टुडेज इवेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंबॉलिक जेस्चर बिफोर द सेकेंड मोस्ट पावरफुल बॉडी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू एंश्योर डेमोक्रेसी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
a bunch of lawyers which are standing in front of the Supreme Court right now. Beseech the Honorable Supreme Court on behalf of people of India who have at this very moment highest of expectations from the Honorable Apex Court that they will do justice, a justice which is not being performed by another constitutional body, that is Election Commission of India. That is the expectation of the people of the India, not only people of India but the entire democratic populace of the world. All the democratic countries of the world are today looking with expectation towards this great institution which has protected the Constitution of India. We are only exhorting and beseeching the Honorable Apex Court that please do not delay. People of India, people of the world, democratic people of the world expect a decision from Supreme Court which has been pronounced by other constitutional courts of Europe and America that EVM machines are a big fraud. No free and fair election can be held by the use of any machine. So therefore, all the democratic countries, all the large democratic countries, majority of the democratic countries are using only paper ballots to hold elections. That is the expectation of the people of democratic world. That is the expectation of people of India. You being the highest court of the land, India, you being an open court, you have a duty today to live up to the expectation of not only people of India but the entire democratic world, to set an example that Supreme Court of India will ensure free and fair elections. This is the reason we are here today, a bunch of lawyers under the banner of EVM Hatao Sanyukt Morcha, but we are just a face. Behind us are standing people of India. They are forcing us, they are pushing us, they are making us stand here in front of Supreme Court. Dosto, hum aaj jo lawyers mutthi bhar yahan Supreme Court ke samne khade hain, ye ऐसी जगह है जो देश की सबसे बड़ी, दूसरी भारत की जनता के बाद इंस्टीट्यूशन है जो संविधान को बचाने की और डेमोक्रेसी को बचाने की संस्था है सबसे बड़ी। हम उसके सामने खड़े हैं और भारत की जनता नहीं, पूरी दुनिया की जो लोकतांत्रिक जनता है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता है, उसके बिहाफ पर बहुत ही आदरणीय तरीके से गुहार लगाने खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने के बहुत जल्द से जल्द ऐसा फैसला आप लोगों से पूरी दुनिया के लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा फैसला दूसरे संवैधानिक अदालतों ने दूसरे देशों में किया है कि ईवीएम से कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, स्वतंत्र इलेक्शन ईवीएम से हो ही नहीं सकता, स्वतंत्र इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से हो सकता है। ये उम्मीद लेके पूरे देश की जनता और पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक जनता आज टकटकी बांधकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ देख रही है। तो कृपया, आप एक ओपन कोर्ट हैं, कृपया आप एक ऐसी संवैधानिक, दुनिया की सबसे बड़ी संवैधानिक कंट्री के, डेमोक्रेटिक कंट्री के, एक सबसे पुरानी सभ्यता वाली कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रक्षक बॉडी के रूप में आप खड़े हो और पूरी दुनिया आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है। मेहरबानी करके इस एक ऐतिहासिक मोमेंट पे जल्द से जल्द ईवीएम हटाने के लिए और पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए जो भी कानूनी अड़चन है, हालांकि कोई अड़चन है ही नहीं अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा, उसको दूर करके पेपर बैलेट से यानी के मतपत्र से चुनाव कराने की कृपा करें। ये उम्मीद पूरी दुनिया इस वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट से कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात और कहना चाहता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कंपेनियन जजिस से, चूँकि आपने एक व्यवस्था दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन में तीन लोगों की जो समिति होगी उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन केंद्र की सरकार ने संसद के द्वारा एक बिल लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई व्यवस्था को बदल दिया और अब इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाली तीन सदस्य कमेटी के अंदर
जो 3 सदस्य होंगे उसमें देश के प्रधानमंत्री होंगे और एक कानून मंत्री होंगे, यानी 2 लोग तो केंद्र की सरकार के हो गए और एक विपक्ष के नेता होंगे। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन का गठन केंद्र की सरकार जिस अधिकारी को चाहेगी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स बनाएगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स उनके इशारे पे काम नहीं करेंगे। इस पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है कि वो संदेह के दायरे में हैं, उन पे भरोसा करना मुश्किल है। इसलिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अदर कंपनी जजेस से निवेदन करता हूँ कि आपने जो रूलिंग दी थी उसको आप अपहेल्ड कराइए और इस संसद के द्वारा पारित इस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराइए। धन्यवाद।